2016 में यूजीसी के द्वारा कॉलेज के एवं यूनिवर्सिटीज के प्राध्यापकों के लिए नए स्केल की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको हिमाचल प्रदेश में उस वक्त की तत्कालीन सरकार यानी कि भाजपा सरकार द्वारा 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया, जिसमें कॉलेज के एवं विश्वविद्यालय के अनेक प्राध्यापक जो है नए स्केल से लाभान्वित हुए। मगर उसके साथ साथ एक अधिसूचना यह भी जारी की गई कि जो हमारी पदोन्नति है यानी कि जो हमारी करियर एडवांसमेंट स्कीम है उसके तहत नई अधिसूचना जारी होने तक कोई भी पदोन्नति नहीं होगी। तो लगभग उस अधिसूचना को जारी हुए अब 2 साल हो गए और लगभग 2 साल ही अब का कार्यकाल भी अब नई सरकार का पूरा होने वाला है। तो इस विषय को लेकर जो हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो शिक्षक कल्याण संघ है वो बार बार सरकार के प्रतिनिधियों से भी बार बार मिलता रहा है। हम अपना मांग पत्र बार बार दे रहे हैं कि जो हमारी करियर एडवांसमेंट स्कीम है, जो हमारा कैश है, उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे हमारे जो विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको उन्होंने इनिशियल स्केल से सीनियर स्केल से सिलेक्शन ग्रेड, और जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ जाना है, एसोसिएट प्रोफेसर ने प्रोफेसर की तरफ जाना है, जिनकी पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी है वो पिछले लगभग 3 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अधिसूचना आएगी और उनकी पदोन्नति होगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये पदोन्नति इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन पदोन्नतियों पर जो है एक तो हमारा विश्वविद्यालय का जो हमारा नैक का ग्रेड है वो भी डिपेंड करता है, उसके साथ साथ हमारी रिसर्च को लेकर भी इसके बहुत से लाभ जो है हमारे प्रदेश को जो है वो मिल सकते हैं। परंतु अभी तक इसके ऊपर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हमें बहुत आशा थी कि अभी जो 28 तारीख को हमारी कार्यकारी परिषद की बैठक हुई 28 सितंबर को, उसमें इसके ऊपर कोई चर्चा होगी और कोई सकारात्मक इसके ऊपर कोई पहल जो है वो की जाएगी। मगर हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है और शिक्षकों में बहुत ज्यादा ये रोष है कि इसके ऊपर कोई भी चर्चा जो है वहां पर नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि अभी तक कैश के ऊपर जो है निर्णय अभी नहीं लिया जाएगा। तो इससे अध्यापकों में भारी रोष है। परंतु इसके साथ साथ एक डबल स्टैंडर्ड भी सरकार का जो है वो दिखता है, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ समय पहले जो है जो कॉलेज के अंदर जो है प्राचार्यों की नियुक्ति की गई उनको इसी स्कीम के तहत सीएस स्कीम के तहत ही उनको पदोन्नति दी गई। विश्वविद्यालय में भी कुछ शिक्षकों को सीएस स्कीम के तहत जो है पदोन्नति दी गई। तो प्रश्न ये भी उठता है कि अभी जब तक सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की है तो पिक एंड चूज क्यों हो रहा है, और जो हमारे विश्वविद्यालय का और कॉलेज का जो आम प्राध्यापक है जो किसी विशेष विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे प्राध्यापकों के को बहुत उनके मन में रोष है कि उनका जो ये हक है, उनका जो अधिकार है, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। अतः जो हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कल्याण संघ है ये पुरजोर मांग करता है और कड़े शब्दों में चेतावनी भी देता है कि आने वाले समय में अगर हमारी सीएस को लेकर, हमारे डीए को लेकर और हमारा जो एरियर, जो हमारा लंबित एरियर पड़ रहा है, अभी पड़ा हुआ है, उसको लेकर कोई प्रदेश सरकार के द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम एक पुरजोर आंदोलन जो है यहाँ पर प्रदेश में आरंभ करेंगे।